ये कहना चाहूँगा कि जिंदा रहने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक में से एक थे, अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी खत नहीं था, अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे खास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे, हमेशा लाइट मूड पे रहते थे, आंखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, अपना दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं, अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियाँ बांटी और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया। दुख नहीं बांटे, खुशियाँ बांटी, हंसियाँ बांटी। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सा। तो हमेशा उन्होंने जो मायूस चेहरे थे उन पे मुस्कुराहटें बिखेरी, सबको खुश किया और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। आज भी हमें पप्पू पेजर याद है, आज भी हमें कैलेंडर याद है, आज भी हमें मामा जी याद है। अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है, कुछ चली कुछ नहीं चली। लेकिन अगर नहीं भी चली तो उनके व्यवहार में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई, मुस्कुराते रहना ही उनकी आदत थी। और 2 फिल्मों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक राम रखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। तो बस सेट पे उनका रहना शर्त था और माहौल का खुशगवार होना उनकी बातों से। तो मैं ये कहूँगा कि हर तरीके से वो एक अचीवर रहे हैं ज़िंदगी में,